हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करने गए तो कुकर के अंदर गाइस चकरी के साथ करने रहे गाइस। छोटे में हर कोई सोचता था कि चकरी को कुछ अलग अलग तरीके से जलाया जाए, मतलब वो लोग कभी कभी नीचे, बच्चे लोग क्या करते हैं नीचे जलाते थे, कभी कभी उल्टा सीधा उसके खेलने। बट गाइस चकरी बहुत ख़राब होते हैं, पटाखे वगैरह जब फूटते हैं ना गाइस, अगर चकरी भले घूमता है बट फूटता है ना गाइस तो सामने अंधेरा छा जाता है, बहुत खतरनाक होता है। बट गाइस आज की इस वीडियो में गाइस मैं ना चकरी को इस कुकर के अंदर घुमाने वाला। आप लोगों ने नीचे तो घुमाया देखा होगा अपने कितना तेज़ घूमता है चकरी जब नीचे ज़मीन पर घूमता है। बट गाइस अगर इस कुकर के अंदर चकरी घूमेगा तो क्या होगा, गाइस चकरी के अंदर से जो हीट निकलती है काफ़ी ज़्यादा होती है। आपने देखा कितना प्रेशर से निकलता है तब जाकर वो इतनी स्पीड तक घूमता है, और ये बंद होने के बाद भी कुछ सेकंड तक घूमते रहते हैं क्योंकि इतनी स्पीड आ जाती है इसके अंदर। बट गाइस अगर इसके अंदर अगर हम कुकर के अंदर गाइस चकरी को घुमाएंगे तो क्या होगा, आप लोग बचपन में सब चीज़ सोचा करते थे कि क्या होगा कैसे होगा। बट गाइस मैं सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाएगा कुकर के अंदर अगर हम लोग चकरी को घुमाएंगे तो क्या होगा, काफ़ी मज़ा आना है गाइस। आज के वीडियो में काफ़ी क्रेजी होने वाला है। अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जो है दबा दीजिएगा। तो चलिए मैं कुकर में चकरी को घुमाता हूं और आपको अच्छी तरीके से दिखाता हूं कि क्या होगा इस कुकर का। कुकर जो होता है स्टेनलेस स्टील का बनाता है एसएस का, और ये चकरी के अंदर जो हीट निकली काफ़ी ज़्यादा होगी, या पिघल विघल नहीं जाए बट ध्यान देंगे सब चीज़, बाकी देखते जो भी होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो गाइस है ना पहले एक चकरी को हम लोग घुमाते हैं इस कुकर के अंदर, तो चलिए मैं डाल देता हूं फिर जला देता हूं और देखते क्या होता है। तो गाइस मैंने एक जला दिया है, अभी वो घूमेगा अंदर। तो गाइस देख सकते हो कुकर के अंदर चकरी घुमा पूरी वाइट वाइट हो गई है, पूरा बारूद बारूद की वजह से पूरी गाइस वाइट हो गई है। देख सकते हो गाइस पूरी वाइट हो गई, काफ़ी उल्टे सी तरीके से घूम रहा था क्योंकि गाइस इसके अंदर जितनी जगह नहीं थी ना इसलिए सीधा नहीं घूम रहा था, नहीं तो जगह ज़्यादा होता तो अच्छे से घूमता। चलिए गाइस अभी दो चकरी एक ही बार घुमाते हैं अंदर और फिर देखते हैं उसमें तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दो चकरी एक साथ घुमाता, रुकिए अभी मैं। तो फ्रेंड्स पहले मैंने सिंगल है ना चकरी जलाया था कुकर के अंदर, तो गाइस कुकर का आपको मैंने दिखाया क्या हुआ था। उसके बाद मैंने डबल भी जलाया गाइस, जो कि है ना एक पहले जला दूसरी बार बाद में यार काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया कुकर, काफ़ी ज़्यादा गर्म है गाइस। और अंदर से देख सकते किस तरीके का वाइट हो गया गाइस, और बाहर से कुकर बहुत ज़्यादा गर्म है, छूने लायक भी नहीं है गाइस। आप लोग देख रहे थे ना, आप लोग को मैंने दिखाया कोशिश की अलग अलग व्यू से गाइस है ना, चक्री अंदर क्या हो रही थी घूम रही थी, काफ़ी ज़्यादा टकरा रही थी इधर उधर, ऐसा लग रहा था कि मतलब वोल्केनो जैसा इरप्शन होता फटता है ना वैसे हो रहा था पूरा, काफ़ी ज़्यादा गर्म है गाइस अंदर अभी भी गाइस। पूरे चकरी का इधर अंदर अंदर इतना तेज टकरा रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ घूमती है ना चकरी गाइस, इसकी वजह से टकरा रही थी। तो गाइस आप लोग को मज़ा आया होगा आज के इस वीडियो में क्योंकि आप लोग जो सोचते हैं गाइस, बचपन में मैं भी सोचा करता था कि ऐसा ऐसा करेंगे तो क्या होगा, गाइस आज मैंने किया इसने छोटे चीज़ में
चक्री को इतना काफ़ी तेज घुमाया, तो गाइस आप लोगों ने देखा किस तरीके से घुमा। गाइस डर लग रहा था खाली फटे ना, क्योंकि गाइस सब कोई पास पास से वीडियो बनाए थे फोन वगैरह से, तो गाइस फटे ना बस इसका खाली डर था, बाकी सब कुछ अच्छी तरीके से हो गए। तो आप लोग को आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, कुछ अलग चीज़ देखने को मिला जो आप सोचा करते वो चीज़ मैंने आपको दिखाया। गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा वीडियो को लोगों को शेयर कीजिएगा, और बोले सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको अभी है ना दीपावली से रिलेटेड मतलब पटाखे से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियो मिलने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।